मैं मायराम बीपी उस्यान, तहसील चेओ, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश। ये कृषि जागरण जर्नलिस्ट, तो आज मैं किसान भाइयों, मैं आज मटर के खेत में हूँ। ये मटर की पल्लियाँ हैं, 3 पल्लियाँ भर दी गई हैं और उसके बाद और पल्लियाँ ड्राई का काम चल रहा है। और ये सारे मटर अब सेकंड राउंड में अब निकाले जा रहे हैं और अच्छी प्रोडक्शन है सारी। ये जीरो वेस्ट फार्मिंग है और जीरो वेस्ट फार्मिंग की प्रोडक्ट आज हम इसको निकाल रहे हैं। आज लगभग 3 क्विंटल मटर निकाला जाएगा जो कि नेचुरल है। और उसके बाद मैं कोशिश करूंगा, मैं इस बगीचे की ओर जाना चाह रहा हूं। ये बगीचा लगा हुआ है, देखो इसमें जई है, बगीचा लगा हुआ है, मिक्स फार्मिंग कर रहे हैं और ये भी नेचुरल फार्मिंग है। और यहां पर पलम के प्लांट है, ब्लैक अंबर लगा हुआ है, ब्लैक अंबर का लंबा है, 2 साल का प्लांट है। और इस तरीके से मिक्स फार्मिंग कर रहे हैं किसान भाइयों। सिस्टम में अगर हम लोग किसानी करते हैं तो हमारे प्रोग्रेस भी बढ़ेगी और इसमें आउटपुट भी आएगी। तो ये देखो इस बार हमारी गंदम भी अच्छी प्रोडक्शन दिख रही है, बढ़िया गंदम है और इसमें काफ़ी अच्छा बूटा है, अभी कच्चा है। तो ये पलम के प्लांट लगे हुए हैं इन पर, इधर से लाइन में टोटल पलम की प्लांटिंग चल रही है और इसमें साथ नर्सरी भी लगा रहे हैं और नर्सरी का भी काम चल रहा है, नर्सरी भी अब अंकुरित हो गई है। और इसके बाद मटर के बाद नर्सरी दिसंबर जनवरी महीने में हो जाएगी तैयार है और इसमें भी हमें काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। ये भी हमारे ब्लैक अंबर है, पलम का 2 साल का प्लांट है, ये जो है ये सामने अच्छी प्रोडक्शन है और नेक्स्ट ईयर में ये फ्लावरिंग देना शुरू कर देंगे। इस साल ने छोटी सी फ्लावरिंग दी थी और तो उसमें फ्रूट नहीं टिकवाए थे, फ्रूट को निकाल दिया गया है क्योंकि अभी प्लांट छोटा है, छोटा होने की वजह से इसमें हम इस बार फ्रूट नहीं लेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।